नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नेपाल विमान हादसे में मारे गए चारों युवकों का गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। हादसे में अनिल राजभर, अभिषेक मौर्य, सोनू जायसवाल और विशाल शर्मा की 15 जनवरी को हुई थी मौत। आज नेपाल से परिजनों का शव सुबह 9 बजे के बाद पहुंचा उनके पैतृक घर गाजीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। तो आइए देखते हैं सियाराम यादव की खास रिपोर्ट। नेपाल विमान हादसे में आज चारों मृतकों के शव सुबह 9 बजे के बाद गाजीपुर उनके पैतृक घरों में वहाँ वाहन द्वारा लाए गए। इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोकाकुल माहौल था और भारी भीड़ जमा थी। करीब आधे घंटे घर पर शव को रखने के बाद परिजन और क्षेत्रवासी जिला प्रशासन के साथ मिलकर गाजीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर लाए, जहां उनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर शमशान घाट पर किया गया। इसमें सभी शव के अंतिम संस्कार में परिजन शामिल रहे। बता दें कि नेपाल विमान हादसा 15 जनवरी को नेपाल के पोखरा में हो गया था और ये सूचना उसी दिन गाजीपुर उनके परिजनों और प्रशासन के पास आ गई थी। और 16 तारीख को परिजन शव की शिनाख्त करने के लिए गाजीपुर से 2 गाड़ियों से काठमांडू के लिए रवाना हो गए थे, जहाँ पिछले 1 सप्ताह से जाँच प्रक्रिया को पूरा कर चुके शिनाख्त कर परिजन आज 24 तारीख को सुबह 9 बजे गाजीपुर पहुंचे। तो आज 12 बजे उनका अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा गाजीपुर के सुल्तानपुर शमशान घाट पर किया गया। इस मामले परिजनों ने शव को मिलने और नेपाल में हुई परेशानी पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं जिलाधिकारी गाजीपुर ने बताया कि शव आज सुबह गाजीपुर 9 बजे आ गए थे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनके साथ लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सभी मृतक आश्रितों के परिवार को 5 लाख आर्थिक मदद और सोनी जायसवाल जो इसमें एकमात्र विवादित थे उनकी पत्नी को विधवा पेंशन की सुविधा मुहैया कराई गई। उन्होंने परिजनों को ये भी आश्वस्त किया है कि दुख की इस घड़ी में जो भी संभव मदद होगी वो परिजनों को दी जाएगी। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी शोक जताते हुए परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार से जो भी मदद की बात कही गई है उसको जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करेंगे और कोई भी परिवार की मांग होगी तो उस पर भी सरकार से वो बात करेंगे। फिलहाल चारों दोस्तों के शव एक साथ गंगा घाट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। हाँ
भाई यही लगता है थोड़ा सा इसी के मोबाइल से लाइव बन रहा था बच्चे मोबाइल के कुछ क्लियर है नहीं आज नेपाल प्रेस में बॉडी आई है उसमें आज क्या क्या होना है और क्या हाँ आज सारी बॉडीज चारों विक्टिम्स की पहुंच गई हैं गांव में और अभी प्राप्त सूचना के अनुसार सभी बॉडीज और उनके परिजन उनको लेकर के गौसपुर प्रोसीड कर गए हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग भी वहां जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक सहायता दी है परिवार को उसके चेक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और MLC साहब विशाल सिंह चंचल जी हमारे साथ रहेंगे और सभी परिवारों को ढाढ़स भी बांधेंगे और 5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेंगे साथ ही चारों परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना का की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है और सोनू जायसवाल जो इसमें एक विक्टिम थे शादीशुदा थे विवाहित थे उनका परिवार था तो उनकी पत्नी का विधवा पेंशन बना दिया गया है और बच्चों के लिए जो बाल सेवा योजना होती है उसके तहत भी उन दोनों बच्चों का जो पढ़ाई कर रहे हैं उन दोनों बच्चों का उनके फॉर्म भी भरवा दिया गया है तो हम हर तरीके से जो भी योजना के लिए वो लाभार्थी अनुमन्य रहेंगे उनको हम लाभ दिलाएंगे परिजन 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग करें इससे विचार किया जा रहा है क्या ये उनकी मांग है आज हम लोग जब जाएंगे तो उनसे बात करेंगे और फिर माननीय मंत्रीगणों के उपस्थिति में जो भी निर्णय होगा वो हम शासन से बात करके उसके आगे कार्रवाई करेंगे नेपाल से जो पीड़ितों का शव आया है इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए शोक संवेदना चाहिए अस्वाभाविक मौत अस्वाभाविक दुर्घटना हमेशा दुखद होती बनकर और इस दुखद दुर्घटना में शासन और प्रशासन की तरफ से जितना भी सहयोग संभव हो सका है किया जा रहा है भविष्य में भी जरूर किया जाएगा सांसद जी जैसे ये शव कै बजे गाजीपुर आया और क्या क्या मदद इन परिजनों को दी गई 5-5 लाख रुपए योगी जी की तरफ से घोषणा हुई थी कल परिजन भी पहुंचे थे कलेक्ट्रेट जितने भी घोषणा हुए हैं उसको पूरी तरह पालन किया जाएगा मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ अपनी जवाबदेही लेता हूँ उन सारे मांगों को और भविष्य में भी जितनी भी इनकी आवश्यकता होगी को पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे ये चारों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है एक साथ आए हैं स्वाभाविक तौर पर एक सर्गत साथ दुर्घटना हुई है तो सब लोगों की यही विचार है कि एक साथ ही उनका अंतिम संस्कार